नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक पैट ओनली टेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन की बदलती दुनिया की। जैसा कि थोड़े दिनों पहले हमें पता लगा था सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के बारे में, वहीं 24 फरवरी को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में हुआवे कंपनी ने अपना हुआवे मेट एक्स फोन भी लॉन्च कर दिया है और कहते हैं कि जो ये फोन है ये आपको मई जून तक जो है 2019 के मध्य में मिलने लग जाएगा और ये भी है एक फोल्डेबल फोन। आज इसी फोन के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या इसमें फीचर मिलेंगे, कितनी इसकी प्राइस होगी और क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यार वीडियो को कर दीजिए लाइक क्योंकि बहुत कमाल होने वाली आज की वीडियो। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहां भी मैं नई नई पिक्स डालता रहता हूं। तो चलिए आज कुछ नया देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की स्क्रीन की। तो यार इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलने वाली है वो मिलेगी OLED डिस्प्ले, जिसको कि अगर हम बात करें अनफोल्ड साइज की तो अनफोल्ड में जो स्क्रीन का साइज होगा वो होगा 8 इंच का और वहीं अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो इसका फ्रंट जो पैनल होगा वो होगा 6.6 इंच का और बैक पैनल होगा 3.38 इंच का। काफी कमाल लुकिंग इस फोन की लग रही है। अभी तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में फोल्डेबल फोन का कितना क्रेज रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं इसके रेजुलेशन की। तो मैं आपको बता दूं इसका जो रेजुलेशन है वो अनफोल्ड में आपको मिल जाएगा 2480x2200 और वहीं इसको फोल्ड करने के बाद इसका जो रेजुलेशन है वो आपको मिलेगा 2480x1148। ये मिलेगा आपको फ्रंट पैनल पर और बैक पैनल पर आपको मिलेगा 2480x892। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो यार इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो मिलेगा क्रिन 980 जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है। इसके साथ ही बलोंग 5000 का चिपसेट इसमें मिल जाएगा। ये काफी दमदार प्रोसेसर माना जाएगा और ये जो प्रोसेसर है ये आपको काफी स्मूथ परफॉर्मेंस भी देगा। अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो बैटरी के बारे में बात करें तो इसकी बैटरी आपको देखने को मिलेगी 4500 mAh की बैटरी इसमें मिल जाएगी और 55 वाट के सुपर चार्ज के साथ ये आपको मिल जाएगा। 55 वाट का जो फास्ट चार्जिंग है वो कंपनी ये कहती है कि 30 मिनट में इसकी बैटरी को 85% चार्ज कर देगा। दोस्तों अगर बात करें इस फोन की कनेक्टिविटी की तो इसकी जो फर्स्ट स्लॉट है सिम स्लॉट, उसमें आप 5G सिम यूज कर पाएंगे और सेकंड स्लॉट में आप 4G तक का सिम यूज कर पाएंगे। अगर बात करें इसकी डाउनलोड क्षमता की तो ये 3 सेकंड में 1 GB की जो कंटेंट होता है उसको डाउनलोड करने की क्षमता रखता है। वहीं बात करें इसके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आपको इसमें जो एंड्रॉइड 9 है पाई देखने को मिलेगा और स्टोरेज की बात करें तो 8 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ही आपको मिलेगा। दोस्तों अगर सेंसर की बात करें तो इसमें ग्रेविटी सेंसर, जायरोस्कोपिक सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर और भी जितने भी सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सबके सब सेंसर इसमें मिलने वाले हैं। बहुत लंबी लिस्ट है इसमें जो सेंसर आपको मिलेंगे, यानी कि लगभग सारे ही सेंसर इसमें देखने को मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं मेन इसके कैमरा की। तो इसमें आपको जो कैमरा मिलेगा वो लाइका का कैमरा मिलेगा जो कि काफी कमाल कैमरा माना जाता है और इसमें जो कैमरा है वो 3 कैमरे इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो कि फ्रंट और रियर में आप यूज कर पाएंगे। अब कैमरे का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। एक कैमरा इसमें मिलेगा आपको 40 MP कैमरा जो कि वाइड एंगल कैमरा होगा। दूसरा जो इसमें कैमरा होगा वो होगा 16 MP का जो कि अल्ट्रा वाइड रेंज कैमरा होगा। और तीसरा जो मिलेगा इसमें कैमरा आपको वो मिलेगा 8 MP का जो कि एक टेलीफोटो कैमरा होगा। अब बात करते हैं इसके भैया प्राइस की। तो यार अगर प्राइस की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो 2299 यानी कि 2299 यूरो रहने वाली है। यानी कि अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो 209,400 रुपये का ये फोन आएगा, यानी कि 2 लाख का फोन। फोन काफी महंगा है, हालांकि इसकी टक्कर ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड से होगी, लेकिन ये सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड से काफी महंगा भी है। अब देखना ये रहेगा कि कौन सा फोन आने वाले टाइम में जीत जाता है। आपका इस फोन के बारे में क्या विचार है, क्या कमेंट है, मुझे जरूर लिख के बताइएगा। और यार इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहती है, इसलिए वीडियो को भी लाइक करते रहो, शेयर करते रहो वीडियो को। और भाई चैनल पर पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि सारी वीडियो आपको मिले देखने को समय समय पर, कोई भी नई जानकारी आपसे मिस ना हो। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।